गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूरिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक पांचवी एलम श्री विद्यानगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री वाइज आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत में विदेशी राज्यों का विलय किस प्रकार से हुआ। इससे पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात देशी राज्यों के विलय की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आइए हम देखते हैं देशी राज्यों का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ। भारत संघ में रियासतों का शामिल होना या विलय मुख्य समस्या का केवल आंशिक समाधान था। इन रियासतों की जनता प्रशासन में भाग लेने की इच्छुक थी, लेकिन इस विलय में रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ को केवल तीन विषय विदेश संबंध यातायात एवं प्रतिरक्षा ही सौंपे, किंतु यह पर्याप्त नहीं था। आवश्यकता थी कि ये रियासतें भारतीय संविधान को मान्यता प्रदान दें तथा शासन के लिए इन्हें बड़ी इकाइयों में संगठित कर लिया जाए। इस संबंध में सरदार पटेल के प्रयास प्रशंसनीय रहे, उनके अथक प्रयत्नों से ही कठिन कार्य पूरा हो सका था। सरदार पटेल ने भारत स्थित 562 देशी रियासतों का एकीकरण तीन प्रकार से किया। कुछ तो प्रांतों में मिला लिया, कुछ को भारत सरकार के अधिनियम में रखा, तो कुछ को आपस में मिलाकर एक संघ बना दिया था। नंबर एक, छोटी रियासतों का विलय। नंबर एक, छोटी रियासतों का विलय। नंबर एक, छोटी रियासतों का विलय। प्रांतों में छोटी रियासतों के विलय की दृष्टि से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतें सर्वप्रथम रही। ये 39 रियासतें थी, अत्यंत छोटी होने के कारण इनमें आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। दिसंबर 1947 में सरदार पटेल ने इनके शासकों से वार्ता की और विषय समझौते किए और विलय के संबंध में कुछ समझौते किए। इन समझौतों के अनुसार इन रियासतों के शासनों ने अपनी सारी शक्तियां भारत संघ को समर्पित कर दी थी। 1 जनवरी 1948 को ये रियासतें उड़ीसा व केंद्रीय प्रांत का भाग बन गई। इसके बाद दक्षिण की 17 रियासतों का भी इस प्रकार विलय किया गया और इन्हें मार्च 1948 में बंबई में मिला लिया गया था। जून 1948 में गुजरात की 289 रियासतों को और 9 मई 1949 को बड़ौदा को भी बंबई के साथ मिला लिया गया था। इसी प्रकार 1948-49 में पंजाब में कुछ छोटे छोटे राज्यों, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, असम में खाली पहाड़ियों तथा टिहरी गढ़वाल रायपुर और बनारस उत्तर प्रदेश में मिला लिए गए। विलय समझौता प्रायः सभी रियासतों के समान किया गया था। जिस प्रांत में जो रियासत मिलाई गई वही उसके अभिन्न अंग बन गई थी।
नंबर दो है रियासतों का केंद्र प्रशासनिक क्षेत्र में संगठन। रियासतों का केंद्र प्रशासनिक क्षेत्रों तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में संगठन। रियासतों का केंद्र प्रशासनिक क्षेत्रों में संगठन हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर को केंद्र प्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत रखा गया। हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, विंध्याचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, इसके अलावा बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर को केंद्र प्रशासित प्रदेशों। और मणिपुर को केंद्र प्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत रखता है। केंद्र प्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत रखा गया है। नंबर एक हिमाचल प्रदेश, तो पूर्वी पंजाब की 21 रियासतों को हिमाचल प्रदेश के संघ में एकीकृत किया गया और 15 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। नंबर एक पर है हिमाचल प्रदेश, पूर्वी पंजाब की 21 रियासतों को हिमाचल प्रदेश के संघ में एकीकृत किया गया, 15 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। नंबर दो विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड की बघेलखंड की 65 रियासतों को मिलाकर, बुंदेलखंड और बघेलखंड की 65 रियासतों को मिलाकर एक संघ बना दिया गया जिसे विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। 1 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। कच्छ को मई 1948 में, बिलासपुर को 12 अक्टूबर 1948, भोपाल को 1 जून 1949 और त्रिपुरा को 15 अक्टूबर 1949 को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। इस प्रकार नंबर तीन है राज्यों के संघ। राज्यों के संघ, तो रियासतों के एकीकरण तथा विलय का तीसरा तरीका था विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाना। तो नंबर एक है स्वराष्ट्र संघ, 15 फरवरी 1948 को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य स्वराष्ट्र का उद्घाटन किया गया।
रियासतों के एकीकरण और विलय का तीसरा तरीका था विविध रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना। पहला था स्वराष्ट्र शासन, स्वराष्ट्र के संघ। तो 15 फरवरी 1948 को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य स्वराष्ट्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें नामनगर और भावनगर दो महत्वपूर्ण रियासतें थी। जिसमें नामनगर और भावनगर, नामनगर और भावनगर नामक दो रियासतें थी। नामनगर और भावनगर दो रियासतें थी। नंबर दो मत्स्य संघ, नंबर दो मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासत को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। नंबर तीन है मध्य भारत, नंबर तीन है मध्य भारत। ग्वालियर, इंदौर और मालवा को संयुक्त कर मध्य भारत 28 मई 1948 को बनाया गया था। ग्वालियर, इंदौर और मालवा को ग्वालियर इंदौर और मालवा को ग्वालियर इंदौर और मालवा को संयुक्त कर मध्य भारत 28 मई 1948 को बनाया गया। इसी प्रकार चार नंबर है पटियाला तथा पेखू, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ पेप्सू में 7 बड़ी रियासतों को गठित कर 20 अगस्त 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान संघ, नेक्स्ट है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का निर्माण भी अनेक चरणों में हुआ। तो राजस्थान संघ का निर्माण जो है 7 चरणों में संपन्न किया गया था। सबसे पहले 25 मार्च 1948 को छोटी छोटी 9 रियासतों का संघ बना था। उसके बाद उदयपुर यानी कि मेवाड़ को भी 18 अप्रैल 1948 को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तत्पश्चात जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने भी इस संघ में मिलने का निश्चय किया और 30 मार्च 1949 को इन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया था। अंत में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी इसी में सम्मिलित करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है त्रावणकोर, कोचीन, कोचीन,
त्रावणकोर कोचीन 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन को भी संयुक्त राज्य बना दिया गया था। इस प्रकार 275 विभिन्न रियासतों को एकीकृत कर उन्हें 5 संघों में संगठित किया गया था। ये थे स्वराष्ट्र, मध्य भारत, नंबर 1 स्वराष्ट्र, नंबर 2 मध्य भारत, पटियाला और पेशू, पटियाला और पेशू, 4 नंबर है राजस्थान संघ, 4 नंबर राजस्थान संघ तथा 5 नंबर है त्रावणकोर या कोची। त्रावणकोर या तो इस प्रकार 275 विभिन्न रियासतों को एकीकृत कर इन्हें 5 संघों में संगठित किया गया। स्वराष्ट्र, मध्य भारत, पटियाला और पेशू, राजस्थान संघ एवं त्रावणकोर तथा कोचीन। 56 रियासतों को विंध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के रूप में गठित किया गया था तथा कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 5 रियासतों का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया। इन सभी रियासतों के शासकों के व्यक्तिगत खर्च और सम्मान के लिए भारत सरकार ने उनका प्रिवी पर्स निश्चित कर दिया गया और उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी सौंप दिए गए थे। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष रहा। तो इस प्रकार देशी राज्यों का विलय 4 प्रकार से किया गया। इस प्रकार देशी राज्यों का विलय 4 प्रकार से किया गया था। देशी राज्यों का विलय 4 प्रकार से किया गया। देशी रियासतों का विलय 4 प्रकार से किया गया। देशी रियासतों का विलय 4 प्रकार से किया गया था। नंबर 1 छोटे छोटे देशी राज्य शासन की स्वावलंबी इकाइयां नहीं हो सकते थे। इन्हें निकटवर्ती प्रांतों में सम्मिलित किया गया, जैसे बड़ौदा बंबई में मिला दिया गया। नंबर 2 कुछ देशी राज्यों को अथवा उनके संघों को चीफ कमिश्नर के प्रांतों की भांति केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया। त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का विलय इसी प्रकार से हुआ था। नंबर 3 जो देशी राज्य एक दूसरे के समीप थे और जिन्हें मिलाकर प्रशासन का स्वावलंबी संघ बनाया जा सकता था, इन्हें वैसा ही बना दिया गया, जैसे कि स्वराष्ट्र संघ, मध्य भारत संघ, कोचीन त्रावणकोर संघ, पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ भारत संघ आदि। प्रत्येक ऐसे संघ के लिए एक राज प्रमुख और एक उप राज प्रमुख होते थे, जिनकी स्थिति राज्यों में गवर्नर के जैसी ही होती थी। 4 नंबर बड़े बड़े देशी राज्यों का ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया और
और वहां के शासक और नरेश राज प्रमुख के रूप में स्वीकृत कर लिए गए। इसी के तहत तीन राज्य थे, मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर। मैसूर राज्य शीघ्र ही भारत संघ में शामिल हो गया था, लेकिन कश्मीर और हैदराबाद को लेकर कुछ दिनों तक झंझट चला और आगे चलकर इनका भी विलयन हो गया था। लेकिन कश्मीर समस्या आज भी भारत के लिए बनी हुई है। इस प्रकार सरदार पटेल जी के सूझबूझ धैर्य के परिणाम स्वरूप ही देशी राज्यों का विलय संपन्न हो सका था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।